हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मैं हूं विकास और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेशियन बिलीफ नेटवर्क पर। तो बेशियन बिलीफ नेटवर्क होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये, तो ये भी एक तरह का क्लासीफायर है नेव बायस की तरह, लेकिन इस क्लासीफायर में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये एक एट्रीब्यूट्स के बीच में कभी भी डिपेंडेंसी नहीं दिखाता। मतलब ये एक ऐसा क्लासीफायर है जो कंडीशन इंडिपेंडेंट होता है। तो कंडीशन इंडिपेंडेंट किस में, ये जो कंडीशन इंडिपेंडेंसी आती है वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आती है। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हम जरा समझ के लेते हैं डिटेल में। तो अगर मैं नेव बेस्ड क्लासीफायर की बात करूँ, तो नेव बेस्ड क्लासीफायर एक ऐसा क्लासीफायर है जिसमें एट्रीब्यूट्स का रिलेशन होता है। मतलब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से रिलेटेड होगा या उस पर रिलाई करेगा अपने वैल्यू का कुछ आउटपुट देने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेशियन बिलीफ नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ पर यह डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड में हर एट्रीब्यूट जो होता है वो रिलेटेड रहेगा, कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, मतलब कोई ना कोई छोटी लेवल की डिपेंडेंसी तो होती ही होती है। तो बेशियन बिलीफ नेटवर्क कैसे काम करेगा अगर वो डिपेंडेंसी को अपोज करता है, तो इसका सॉल्यूशन बेशियन बिलीफ नेटवर्क देता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी के थ्रू। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी कि आपका कोई एट्रीब्यूट है वो ट्रू होगा आपके पेरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ काम कैसे करती है, तो ये दो फेजेस में काम करती है। वो दो फेज हैं, सबसे पहला फेज है आपका डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ और दूसरा जो फेज है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल्स, प्रोबेबिलिटी टेबल, यानी कि इसे मैं शॉर्ट में CPT कहना पसंद करता हूँ। तो चलो समझ कर लेते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल या CPT और डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ की। तो ये चीज क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ यानी कि DAG। तो क्योंकि एक तरह का ग्राफ है, तो ग्राफ में सबसे पहली चीज अगर हमारे माइंड में आती है तो वो है नोड्स और उन नोड्स की कनेक्टिविटी। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो एक जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फैमिली हिस्ट्री, ये एक नोड है यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री, यहाँ पर स्मोकर, ये एक नोड हो जाता है, फिर लंग कैंसर, ये एक पर्टिकुलर नोड है। इसी तरह हमारे पास और भी नोड्स हैं, एम्फिसीमा, ये एक नोड हो गया, पॉजिटिव एक्सरे, ये एक नोड हो गया, और डिस्पैनिया, ये एक नोड हो गया, ठीक है। कैसे हमारे पास टोटल 6 नोड्स है और यहाँ पर ये 6 के 6 नोड्स मुझे क्या बताने वाले, एक एट्रीब्यूट्स का सेट बताने वाले। तो अभी एट्रीब्यूट्स का सेट काम कैसे करता है, ये रिलेशनशिप्स कुछ ऐसी हैं, ठीक है। तो ये 6 एट्रीब्यूट है, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकर, लंग कैंसर, एम्फिसीमा, पॉजिटिव एक्सरे और डिस्पैनिया, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ इनमें काम कैसे करता है, तो सबसे पहली चीज़ हर एक पॉइंट एक नोड है और हर नोड में किसी ना किसी किस्म का रिलेशन है या तो फिर वो रिलेशन एब्सेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लंग कैंसर और एम्फिसीमा की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसमें होता कैसे है कि आप दो तरह के इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर मेरा जो भी इनपुट है वो एक्चुअल वैल्यू जो डेटा सेट से उठाई गई है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बार जो वैल्यू रहे वो एक्चुअल वैल्यू ही रहे, यानी कि जो डेटा सेट से आपको डायरेक्टली मिल रही है, आपके पास हिडन वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। क्यों होता क्या है नॉर्मल रियल लाइफ में कि कुछ डेटा ऐसे रहते हैं जो हम लोग को नहीं समझ में आते कि ये कहाँ से आ रहे, हम लोग उसे हिडन लेयर में कंसिडर करते हैं, बट फिर भी वो डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी डिसीजन मेकिंग और एक्यूरेट हो जाती है। तो हम लोग को कभी कभार ये बिना जाने इस पर फोकस करना पड़ता है, अदरवाइज हमारे पास ये एक्चुअल डेटा सेट है। तो मैं आपको एक्चुअल डेटा सेट पे ही बताने वाला हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी होती है। तो वो है सपोज कि दो नोड्स हैं वाई और जेड, जहाँ पर वाई एक पेरेंट नोड है, ठीक है। तो एक पेरेंट नोड मतलब वाई से जेड आपका जनरेट होने वाला है। तो ये जो आपका पेरेंट नोड है तो इसे मैं इमीजिएट ये कह सकता हूँ, इमीजिएट प्रीडेसर कह सकता हूँ, इमीजिएट प्रीडेसर ऑफ जेड, और ये जो चीज़ है इसे मैं कहूँगा डिसेंडेंट ऑफ वाई। तो ये है आपका डिसेंडेंट ऑफ वाई। तो y और z ऐसे दो रिलेशन हो गए। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेबल डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या कहना चाहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बात की लंग कैंसर की,
तो किसी को लंग कैंसर कब होगा, दो रीजन है, या तो उस फैमिली में ही उसको उसके लंग कैंसर है, या तो फिर वो बंदा स्मोकर है, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव एक्सरे की, तो अगर पॉजिटिव एक्सरे को कंसिडर करता हूँ, तो अगर किसी बंदे को लंग कैंसर हो रखा है तो उसका लंग कैंसर का एक्सरे पॉजिटिव आने वाला है। मतलब ये दो जो एट्रीब्यूट्स हैं उन उसका इस वाले एट्रीब्यूट से कोई लेना देना नहीं। मतलब एक बार कंफर्म हो गया कि लंग कैंसर है तो ये दो एट्रीब्यूट्स फॉल्स हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है कंसिडर करने की। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि उस बंदे को लंग कैंसर है तो पॉजिटिव एक्सरे आने वाला है। तो ये सिंपली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है जिसका अप्रोच बहुत लिमिटेड है, और हम लोग सिर्फ ग्राफ्स या नोड्स के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो हम बोलेंगे हाँ उसे ये चीज़ होनी ही चाहिए, अदरवाइज नहीं। अब इसे इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है सीपीटी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। तो ये सीपीटी काम कैसे करता है, यही वाला एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे अभी। तो यहाँ पर मैं फैमिली हिस्ट्री को एफ एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मोकर को एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, और लंग कैंसर को एल सी से, ठीक है। तो देखते हैं इसे, मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ, वो टेबल कैसा रहेगा, लंग कैंसर नॉट लंग कैंसर, ये अपना निगेशन का साइन नॉट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर रहेगा फैमिली हिस्ट्री स्मोकर, फैमिली हिस्ट्री नॉट अ स्मोकर, यहाँ पर आएगा नॉट अ फैमिली हिस्ट्री बट स्मोकर, और यहाँ पर आ जाता है नॉट फैमिली हिस्ट्री एंड नॉट अ स्मोकर। तो इसमें मुझे वैल्यूज एंटर करनी है, तो ये वैल्यूज एंटर कैसे होंगे, अब ऐसा है कि जब इन वैल्यूज की मैं एंट्री कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है 0.8, ये है 0.5, और ये कोई कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, मैंने रैंडमली एक डेटा सेट से जस्ट पिकअप करके लिया है 0.9, 0.3, 0.5 एंड 0.2। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम कैसे करती है, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव है कि अब फैमिली हिस्ट्री एक कैंसर की है और स्मोकर भी है बंदा, तो उसे लंग कैंसर होने के चांसेस कितने हैं, 0.8%। तो अब यहाँ पे आप एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो जो कि बेशन बिलीफ नेटवर्क का कोर पार्ट है, और ये प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स है मैं उसे वाई ऑफ आई से, मतलब ये जो वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं वाई ऑफ आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ आई बेस्ड ऑन पेरेंट एज वाई ऑफ आई, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब हम लोग जस्ट इस टेबल को कंसिडर करो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी बंदे को कैंसर है या नहीं है, तो उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो हाईएस्ट के लिए अगर बंदे को लंग कैंसर है तो वहां पे येस, लंग कैंसर इज इक्वल टू येस, तो ये वाला कंडीशन सेलेक्ट करता हूँ मैं। उसके बाद ये आपका आपका एक टपल हो गया। अब पेरेंट क्या है, पेरेंट उसके लिए ये सारे उसके पेरेंट्स हैं, तो मैं सिर्फ इस वाले पेरेंट पे फोकस करता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री इज इक्वल टू येस एंड, या कॉमा भी डाल सकते हो आप, स्मोकर इज इक्वल टू येस। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू विल बी 0.8, ठीक है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी दैट लंग कैंसर इज इक्वल टू नो सच दैट फैमिली हिस्ट्री इज इक्वल टू नो एंड स्मोकर इज इक्वल्स टू नो, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू क्या मिलेगा, दिस वन 0.9, क्योंकि मैंने सारा नेगेटिव कंडीशन कंसिडर किया, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, आपको वैल्यू मिला 0.8। इसी तरह आप हर एक वैल्यू के लिए एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते रहोगे, हायर द प्रोबेबिलिटीज आप उसको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। अब ये तो मतलब लिमिटेड डेटा सेट के लिए बता दिया, अगर सपोज आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आपको नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके पास, सॉरी नंबर ऑफ टपल्स आपके पास अवेलेबल देंगे X1, X2, X3 टू XN, इसका वैल्यू होगा पाई ऑफ, पाई मतलब मैं सम कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ आई सच दैट पेरेंट्स ऑफ वाई ऑफ आई, इतना सब आपका फॉर्मूला रहेगा। तो आप जितने एट्रीब्यूट्स सॉरी जितने भी टपल्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो उन टपल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट, तो उनका पेरेंट कौन है उस पर डिपेंड करती है। यही चीज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में भी होती है कि उसको अपने पेरेंट से लेना देना है, उसका पेरेंट कौन है उससे मतलब नहीं, मतलब लंग कैंसर को इन दोनों से मतलब है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव एक्सरे की, तो उसका मतलब सिर्फ लंग कैंसर से, इन दोनों से कुछ भी नहीं है। तो सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही रहता है सेम, कि आप सिर्फ वो डेटा टपल लोगे जिनका पेरेंट्स एंट्री आपको मिल रहा है, अदरवाइज बाकी को आप निगलेक्ट कर सकते हो। और इसमें आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आउटपुट मिले, आपके पास आउटपुट की एंट्री बहुत सारी हो सकती है, एन नंबर ऑफ हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्सरे को एक
आउटपुट कंसिडर कर सकता हूँ, तो एट द सेम टाइम मैं डिस्पिनिया को भी एक आउटपुट कंसिडर करता हूँ, मतलब मैं दो भी कर सकता हूँ, मैं एक भी कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपका क्लासिफायर रिक्वायरमेंट क्या है, तो जैसे जैसा आपका क्लासिफायर रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह का क्लासिफायर आप चाहते हो, तो उस तरह का आप ये अपना नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ न्यूरल नेटवर्क्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, ठीक है, बट उतना कोर न्यूरल नेटवर्क नहीं है ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज न्यूरल नेटवर्क कंसिडर करना पसंद करूंगा मैं इसे, तो नॉट अ कोर न्यूरल नेटवर्क। कोर न्यूरल नेटवर्क हमारा बैक प्रोपोगेशन से एल्गोरिथम से, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो गाइज दैट्स इट फॉर वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एम एल के नोट्स आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हमने, तो प्लीज उसे देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और भी एम एल के वीडियोज आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।